नमस्कार दोस्तों, जयसर केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लासेज में मैं जितेंद्र जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर आरपीएससी जो सेकंड रेड है, उस सेकंड रेड के अंदर क्या बायोलॉजी के अंदर सिलेबस चेंजेज की संभावना बन रही है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न की जो चेंजेज होने की संभावना जो है वो बनती है, क्योंकि आरपीएससी के अंदर और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड दोनों के अंदर कमेटियाँ बैठी है सिलेबस को कुछ चेंजेज जो है वो करने की। ठीक है, तो क्या आपके पास सेकंड रेड के अंदर बायोलॉजी के अंदर संभावना बनती है क्या? जैसे केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर आपके पास ट्वेल्थ क्लास की ऑर्गेनिक जैसे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलो एल्केन्स वगैरह ये वाला पोर्शन जो है वो बचा हुआ है, जैसे थर्मोडाइनमिक्स जो है वो आपके पास बची हुई है। ठीक है ना, जैसे आपके पास जो है वो ये बचे हुए हैं, वैसे वैसे क्या आपके पास बायोलॉजी के अंदर भी ऐसी कोई संभावना बनती है क्या? तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्वेश्चन मार्क है कि क्या इस बार सिलेबस में कुछ चेंजेज होगा क्या, या फिर अपन ये कहें कि एग्ज़ाम के पैटर्न में कुछ चेंजेज जो है वो आएगा क्या। तो दोनों की बात जो है वो करते हैं। तो उसके अंदर अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ पर कहते हैं सिलेबस में बदलाव की, तो सिलेबस को अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है ना, वैसे आप लोगों ने सबने देख रखा ही होगा, ठीक है ना, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बॉटनी और जूलॉजी की, ठीक है ना, तो बॉटनी और जूलॉजी के अंदर लगभग लगभग जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं ऑल एनसीईआरटी जो है, ऑल एनसीईआरटी आपके पास ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है ना, ऑलरेडी आपके पास कवर्ड है, ठीक है ना, और आपके पास आरबीएससी के अंदर जो चलती थी वो भी आपके पास कवर्ड। जैसे अगर मैं बॉटनी की बात करूं तो बॉटनी के अंदर आपके पास साइटोलॉजी आ गया, आपके पास जेनेटिक वाला पोर्शन आ गया, आपके एल्गी, फंजाई, आपके पास जो है वो अपन यहाँ के ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और उसके अलावा जो है वो अपन कहते हैं पूरी की पूरी फिजियोलॉजी जो है जिसके अंदर वाटर रिलेशनशिप, फोटोसिंथेसिस वगैरह और ये सारी चीज़ें जो है, एंजाइम्स आपके पास आ गए वगैरह, सब कुछ पूरी फिजियोलॉजी भी जो है वो आपके कवर्ड है, पूरी इकोलॉजी भी आपके पास कवर्ड है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास जो है वो कोई वो एक चैप्टर जो है इकोनॉमिक सेलोनोसी, ब्रायोफाइसी वगैरह ये अपन यहाँ पर कहते हैं पेप्लियोनेशी वगैरह, लेग्यूमिनेशी ये भी आपके पास सारा आ गया है, तो मुझे लगता है कि बायोटेक्नोलॉजी वगैरह ये सारी कवर्ड जो है वो आपके पास है। जूलॉजी के अंदर भी अगर मैं देखूँ तो आपके पास टैक्सोनॉमी पूरी जो है वो आ रखी है सिलेबस के अंदर, और आपके पास टैक्सोनॉमी भी आ रखी है, इसके अलावा ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी आ रखी है, क्लासिफिकेशन आ रखा है फ्रॉग वगैरह और ये जो है फेशियोला, हिपेटिका वगैरह, फेरेटिमा, पोस्टुमा वगैरह ये भी आपके जो है वो आ रखे हैं, इसके अलावा मेंडल, डार्विन वगैरह, हुगो डी ब्रिज का म्यूटेशन वगैरह और ये सारे सिलेबस के अंदर ऑलरेडी है। एनिमल अपन यहाँ पर कहते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सच है अगर मैं बात करूँ तो कमेटी भले ही बैठी हो, ठीक है ना, कमेटी अपन यहाँ पर कहते हैं बैठी हो, ठीक है ना, बट अपन यहाँ पर कहते हैं बट एडिशन की संभावना जो है, एडिशन की संभावना जो है वो आपके पास बहुत कम जो है वो आपके पास बनती है। हाँ, अगर सिलेबस को हल्का कर ले तो कुछ हटाया जा सकता है, लेकिन उसके भी संभावना कम है, तो आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि एडिशन की संभावना कम है, तो जो पुराना सिलेबस है उसी को ही आपको जो है वो करना है। दूसरा, एग्ज़ाम के पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एग्ज़ाम के पैटर्न के अंदर क्या संभावना जो है वो आपके पास रहती है, तो पैटर्न के अंदर लगभग 50 से 51 क्वेश्चन आपके पास आते हैं, वैसे 50 ही है, वो एक क्वेश्चन विटामिन वाला हमारी केमिस्ट्री और हम बायोलॉजी दोनों वाले लड़ते रहते हैं कि हमारा है, जैसे बायोमोलिक्यूल चैप्टर आपके बायोलॉजी में भी चलता है तो हम भी केमिस्ट्री वाले भी उसको कवर करते हैं और वो भी कवर करते हैं, तो वो संभावना जो है वो ऐसे हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर मैं 2022 की बात करूं, अगर आप पेपर पैटर्न को देखें, ठीक है ना, तो आपके पास सेल बायोलॉजी में से 4 क्वेश्चन आए हैं, जेनेटिक्स में से 4, टैक्सोनॉमी में से 3, इकोलॉजी में से 4, बायोटेक में से 2, माइक्रो में से 2, क्रिप्टो गेम्स जो एल्गी फंजाई वाला है, सीड प्लांट्स सॉरी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है, टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, प्लांट मॉर्फोलॉजी और ये सब एक एक क्वेश्चन जो है वो आपके पास है। तो अगर आप देखो कि 2022 के अंदर आपके पास संस्कृत एजुकेशन में लगभग बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है वो है नहीं, ठीक है ना, कभी कभार किसी वाले में 1-2 क्वेश्चन का कोई चेंजेज होए तो होए, ऐसी कोई संभावना यहाँ पर बनती नहीं है। जैसे 2018 में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं दिया, वाटर रिलेशनशिप से 2018 में क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन 2022 के अंदर अगर पैटर्न देखें, ठीक है ना, चाहे मैं केमिस्ट्री का देखूँ या फिर जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि बायोलॉजी का देखो,
तो आपके पास सारे टॉपिक्स से जो है वो क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। एग्जामिनर आपको ये चाहता है कि आप सारे टॉपिक्स जो है वो पढ़ें ताकि आपकी डेप्थ नॉलेज जो है वो हर एक चैप्टर की पता जो है वो चले। क्योंकि जैसे अगर आप 2011 के आसपास के पेपर देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर से क्वेश्चंस जो है वो खूब सारे आते थे और बहुत सारे चैप्टर से आपके पास क्वेश्चन आते नहीं थे। लेकिन 2022 के अंदर अगर आप देखो तो लगभग हर चैप्टर से आपके पास क्वेश्चन है। जैसे अगर आप ये देखो कि 2016 के अंदर 18 के अंदर एंजाइम से कोई क्वेश्चन नहीं दिया, इवोल्यूशन का क्वेश्चन 2016 में नहीं दिया, इकोनॉमिक जूलॉजी का क्वेश्चन देते ही नहीं है, तो यहां पर जो है वो सारे टॉपिक से क्वेश्चन है। तो इसका मतलब अपन यहां पर कहते हैं कि एकाध कोई क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाला है, ह्यूमन हेल्थ है, इसके 6 क्वेश्चन नहीं देके 5 क्वेश्चन दे दें, ठीक है ना। और आपके पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, आपके पास जैसे मान लीजिए एक फेरेटिमा पोस्टुमा से दे दिया, एक आपका जो है वो फेशियोला हिपेटिका से दे दिया, तो इसके 2 क्वेश्चंस जो है वो आपके पास हो जाएंगे, तो एक आध क्वेश्चन जो है वो रहेंगे। तो ऑलमोस्ट जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि ये भी आपके पास जो है वो आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मुझे लगता है कि क्या जो है ना, कमेटी भले ही बैठी हो लेकिन सिलेबस में चेंजेस कम से कम बायोलॉजी में तो संभावना जो है वो बिल्कुल नहीं। हाँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो है वो पूर्ण संभावना बनती है, लेकिन उसके अंदर भी सिलेबस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि इतना कवर करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। सेकेंड ग्रेड का पेपर टफ नहीं आता, सेकेंड ग्रेड का रायता जो है उसको समेटना जो है वो मुश्किल काम होता है। इसलिए अपने उस नोट्स को जो है लेंथ तो ही पढ़ते ही पढ़ते हैं, उसके अलावा मेन मेन चीज़ों का शॉर्ट नोट्स वाला जो है वो भी आप जो है वो ध्यान जो है वो रखें कि किससे क्या क्या क्वेश्चन जो है वो आपके पास बन सकते हैं, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि सर ये तो बता दिया कि किया जो है ना आपके पास जब ये है कि ऑलमोस्ट पैटर्न भी सेम रहेगा, सिलेबस भी सेम रहेगा, तो हम कैसे जो है वो कवर करें। तो मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी कई वीडियोस के अंदर बना रखे हैं कि आपके पास 5 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो आपके पास एनसीईआरटी, एक आरबीएसई की बुक, ठीक है। तीसरा आपके पास जो है एलन का मॉड्यूल, चौथा जो है वो आरपीएससी के ओल्ड पेपर्स, और पांचवा जो है नीट के ओल्ड पेपर्स। इन सब को जो है आरपीएससी के ओल्ड पेपर और नीट के ओल्ड पेपर की एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी, और इन तीनों से आपकी क्या हो जाएगी, थ्योरी जो है वो हो जाएगी। तो इसको आप कर लेंगे तो जो 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आप जो है वो, मैंने आपको एक अलग से वीडियो में बताया था कि 40 क्वेश्चन आपको जो है वो बायो के सही करने हैं, केमिस्ट्री के 35 जो है वो आपके करने हैं, टीचिंग मेथड के 15 जो है वो आपको करने हैं, फिजिक्स का भी अपन बात करेंगे उसके अंदर की फिजिक्स को कैसे जो है वो करना है, तो उसकी भी बात की जाएगी, ठीक है ना। इस बार आप ऐसी सिचुएशन में नहीं रहेंगे कि आपके पास फिजिक्स जो है वो आपका क्वेश्चन आप अटेंड नहीं कर पाएंगे, सर से बातचीत चल रही है, तो फिजिक्स भी आपको बहुत अच्छे से जो है वो करवा दी जाएगी, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट आपके पास सेम रहेंगे, तो आप आराम से अगर ये जो पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ इस पैटर्न के ऊपर आप वर्किंग करेंगे तो आपके पास आराम से आप 45 अपनी अगर 40 से 45 क्वेश्चन आप सही जो है वो बायो के अंदर कर पाएंगे, तो आपकी कट ऑफ जो है वो बहुत आसानी से आप जो है वो पार कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास अब सवाल ये उठता है कि ये कहोगे कि सर हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है, हम ये इन 5ों चीज़ों को जो है वो कैसे कवर करें। पहले हम एनसीईआरटी पढ़े हैं, फिर हम आरबीएससी पढ़े, फिर हम एलन का मॉड्यूल पढ़े, और पता चले कि हमने जो है इन तीनों को पूरा का पूरा छाप लिया, ठीक है ना। तो हमारे तो आप जो शॉर्ट नोट्स कह रहे हो वहाँ पर लेंथ ही जो है वो काम हो गया। तो उसके लिए जो है अपन यहाँ पर कहते हैं आपकी हेल्पिंग के लिए गुरु बेस जो है वो लॉन्च किया हुआ, जिसमें अरविंद फौजदार सर जो है वो आपको पढ़ाते हैं। सर जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं जीसीआई प्रताप नगर के बायोलॉजी हेड रहे हैं, इनोवेशन जयपुर के भी एकेडमिक हेड रहे हैं, ठीक है ना। तो सर जो है वो आपको ये सारी चीज़ों को एक साथ कवर करके देंगे, जिसमें आपकी लाइव इंटरेक्टिव क्लास भी चल रही है, डाउट सेशन आप सर से पूछ सकते हैं, टेस्ट सीरीज जैसे केमिस्ट्री में चलती है वैसे वैसे बायोलॉजी में भी चल रही है, चलेगी अप टू एग्जामिनेशन तक चलेगी, पीडीएफ नोट्स वगैरह रहेंगे, आरपीएससी के ओल्ड पेपर्स भी सर जो है वो करवाएंगे, और 2 ईयर्स की वैलिडिटी है, काफ़ी अफोर्डेबल फी के अंदर आपके पास है 2100 रुपये। अगर 2 ईयर्स की वैलिडिटी से अगर आप बात करो तो पर डे जो है वो आपके पास RS 3 से भी कम है, 3 से भी कम है, तो आप जो है वो इसको जो है वो देख सकते हैं, ठीक है ना। और आपको जो है वो प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, सर फुली एक्सपीरियंस्ड है तो सर को जो है वो इतना जो है वो नहीं है, ठीक है ना, इतना मतलब टाइम जो है वो नहीं लगता, तो आप तैयारी जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास जो है फर्स्ट, जिसमें से फर्स्ट यूट्यूब पे भी क्लास सर की चली रही है, आप वहाँ पे भी डेमो के रूप में जो है वो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।